दोस्तों बहुत सारे भाई लोग परेशान हैं, उनके पास आयुष्मान कार्ड है, वो लोग अपने आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाना चाहते हैं लेकिन वो लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने आयुष्मान कार्ड से हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करवाएंगे, हॉस्पिटल के अंदर क्या-क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप लोग अगर अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर क्या-क्या प्रोसेस होता है मैं पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले अभी तक से आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के हॉस्पिटल पे जाने हैं। तो टोटल आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा आपका आयुष्मान कार्ड, जो दूसरा डॉक्यूमेंट रहेगा आपको अपने आधार कार्ड को लेना है, और जो तीसरा डॉक्यूमेंट रहेगा आपको अपने राशन कार्ड को लेना है। यानी ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के सीधे हॉस्पिटल पे जाना है और वहाँ पे जो भी काउंटर होगा हॉस्पिटल में, जो भी काउंटर आपको मिलेगा उस काउंटर पे सीधे जाके बोलिएगा सर हमें आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाना है। तो वो जैसे अगर आपको ऑपरेशन करवाना है तो आप लोग सीधे बोलिएगा सर आयुष्मान कार्ड से हमें अपना ऑपरेशन करवाना है, जिस भी चीज़ का ऑपरेशन होगा। उसके बाद से वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपका आयुष्मान कार्ड मांगेंगे, उसके बाद से आयुष्मान कार्ड और आपका आधार कार्ड और आपका जो राशन कार्ड है ये तीनों डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे। ये तीनों डॉक्यूमेंट आप लोग उन्हें दीजिएगा। उसके बाद से वो लोग क्या करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक बार अपना फिंगर लगाना पड़ेगा, यानी जो बायोमेट्रिक मशीन होती है फिंगर लगाने वाली, आपको फिंगर लगाना पड़ेगा। फिंगर लगाएंगे उसके बाद से वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस कर देंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो सब प्रिंट कर देंगे तुरंत। उसके बाद से जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब रेडी करके आपको एडमिट कर लेंगे, यानी आप लोग एडमिट हो जाएंगे। एडमिट करने के बाद जो भी दवाएं चलती हैं चलना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद से आपको अगर ऑपरेशन करवाना है तो सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड का जो लैब है वहाँ पर वो लोग आपको भेजेंगे कि जाइए वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा के आइए। तो आपको क्या करना है, आपका जो पहले से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उस पर वो लोग इलाज नहीं करेंगे भाई, ऑपरेशन है तो फाइनल अल्ट्रासाउंड वो सब करवाएंगे ही करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए वहाँ पे जाना है जहाँ पे वो लोग भेजेंगे, तो वहाँ पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल के अंदर ही होते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो भी जाँच वगैरह हो रही हैं सब हॉस्पिटल के अंदर ही होती हैं। तो आपको क्या करना है, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आप जाएंगे, वहाँ पे अगर आप लोगों से चार्ज मांगा जाए तो आप लोग बोल दीजिएगा कि भैया हम अपना इलाज आयुष्मान कार्ड से करवा रहे हैं, तो वो लोग आपसे चार्ज नहीं मांगेंगे। चार्ज इसलिए वो सब मांगते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे दे करके इलाज करवाते हैं तो इसलिए उनका चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप लोग बता देंगे कि हम अपना इलाज आयुष्मान कार्ड से करवा रहे हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। अल्ट्रासाउंड आपका सक्सेस हो जाएगा, आपको अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट भी मिल जाएगा। रिपोर्ट ला करके आपको फिर से काउंटर पे दे देना है, फिर से वो लोग जो भी प्रोसेस होगा ब्लड जांच वगैरह का फिर से वो लोग लैब में भेजेंगे ब्लड जांच के लिए। जितने भी तरीके के जांच होते हैं सारे जांच आपके करवाए जाएंगे और किसी भी जांच में आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, पूरा जांच टोटल फ्री होगा, आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना है। दोस्तों आपकी जितनी भी जाँचें थी सारी जाँचें कम्प्लीट हो गई, अब बारी आती है ऑपरेशन करने की। तो डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, इसके लिए वो लोग वेट करते हैं अप्रूवल का। आगे से जब गवर्नमेंट अप्रूव करेगी ऑपरेशन करने के लिए तभी आपका ऑपरेशन किया जाएगा। अप्रूवल मिलने में कम से कम 4 घंटे का टाइम लगता है और ज़्यादा भी लग जाते हैं, कई बार आपको 1 से 2 दिन वेट करना पड़ जाएगा। जब तक उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा ऑपरेशन करने का तब तक वो लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा वो लोग ऑपरेशन कर देंगे तो उनको पैसे रिलीज नहीं होगा, तो इसलिए वो लोग अप्रूवल का वेट करते हैं। जब आपको सक्सेसफुली अप्रूवल मिल जाता है आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अप्रूवल मिलने में मैंने बताया ना कभी कभी 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है, तो आप लोग वेट करिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, अप्रूवल मिल जाएगी। अप्रूवल आपको मिल गई, अब अप्रूवल मिलने के बाद वो सब आपको, जैसे अप्रूवल मिल गई जिस दिन अप्रूवल मिल जाएगी उसी दिन आपका ऑपरेशन हो जाएगा।
अगर अप्रूवल तुरंत मिल गई सुबह के टाइम में तो आपका दोपहर तक ऑपरेशन कर देंगे, अगर दोपहर में मिल गई अप्रूवल तो 2-3 घंटे बाद आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जितने दिन वो लोग एडमिट रखते हैं 4 से 5 दिन 6 दिन जितनी भी दवाएं चलती हैं आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में चलेंगी। अब जब 5 या 7 दिन बाद जब डिस्चार्ज करने की बारी आती है तो फिर से आपको फिंगर लगाना पड़ेगा डिस्चार्ज के लिए और आपका 1-2 फोटो भी खींचा जाएगा। आपको डिस्चार्ज करने के बाद जितनी भी दवाएं मिलेंगी वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, जितने भी इंजेक्शंस मिलेंगे सारे फ्री में मिलेंगे, आपको कहीं भी 1 भी रुपया नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद से 5 दिन बाद आपको अगर हॉस्पिटल पे बुलाया जाता है तो जितने भी फिर से अगर काम होती हैं वर्क होती हैं तो उसका भी आपका पैसा नहीं लगेगा। आपको 15 दिन तक जितनी भी दवाएं चलेंगी आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिनों तक जितनी भी दवाएं आपकी चलेंगी आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। टोटल आपको 15 दिनों की दवा मिलेगी, 5-5 दिन करके मिलेगी, तो आप लोग जाके 2 या 3 बार में ले सकते हैं, लेकिन टोटल जो दवा 15 दिनों तक ही मिलेगी। उसके बाद से 15 दिनों बाद अगर आप लोग जाएंगे दवा लेने के लिए तो आपका चार्ज लगेगा। टोटल जो आपको दवा दी जाती है मात्र 15 दिनों तक ही दी जाती है। 15 दिनों से ऊपर अगर आप लोग दवा खाते हैं दवा चलाते हैं तो आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, आपको अपने पास से पैसा लगाना पड़ेगा, फ्री में दवा नहीं मिलेगी। तो दोस्तों हमने पूरा कंप्लीट जानकारी दे दिया, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।